यहाँ से एग मार दिया, यहाँ से एग मारने के बाद सीट पे इसे एग मार दिया, एने के बाद इधर से एग मार दिया, पूरा अंदर से वही निकल गया। फिर मेरे छोटे भाई आने के बाद भाग गया। फिर इससे पहले भी हम लोग आए इधर से एक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली है। हम बर्मा के हो, मैं हैदराबाद में रहते हूँ। आधे साल इनमें मैं और मेरा दोस्त था वो इब्राहिम जो मर गया, दोनों एक साथ में काम पे जाता था। आज मैं नहीं गया, उसका बाइक को लेके गया। दोनों काम में से आ रहा 3:30 दिन की। फिर आए तो रोड पे आसिफ पकड़ा, इससे पहले भी पकड़ के उसका एक फ़ोन खींच लिया। आज भी 2000 पैसे मंगा के थे। इन्हें बोला मेरा बच्चा को दवाई करने पैसे नहीं था, मैं 500 रुपये लियो बोल के बोला था। फिर भी इब्राहिम बोला 500 लियो बोल के, उन्होंने 500 2000 नहीं दिया बोल के। आज हुआ और एक दोस्त उसका है आसिफ के, दोनों मिल के इसको चाकुआ मार के मार दिया। सर पे मारा था, यहाँ पेट में भी मार के पूरा बॉडी वोडी निकाल दिया। आप दोनों साथ में एक ही रूम में रहते हैं ना? हाँ, हम दोनों साथ में एक ही रूम में रहता हूँ। सुबह से मैं काम भी नहीं गया, सुबह से बुला रहा उन्होंने घर पे आके, उन्होंने आ रहा बच्चों को बेचारा इब्राहिम को अली को बुलाओ बोल के। मेरा बुला रहे क्यों थे? पैसे किस चीज के देने के? पैसे उसको देना इसके थे, उन्होंने नहीं तो मारता उतना ही है उसको। कुछ कोई बदल नहीं था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही फोन खींच के लेके गया उन्हें। तो हमेशा से बगैर पीने पीने के लेके हाँ, खाली पीते रहता, गुलिया पीते रहता और दारू वारू सब पीते रहता उन्हें, पागल है। फिर उसको छूटा भाई था उसका इब्राहिम का, उसको बोला एक बोतल पानी लेके आओ घर में से बोल के उसको अंदर भिजा दिया। उन्होंने आते आते दो जने इसको मार के लेटा दिया रोड पे, 2 मिनट में मार के वो लोग दोनों भाग गया था वहां से। फिर हाँ जबरदस्ती पैसे ले रहे थे, मेरे को नहीं, मेरे से नहीं, खाली सब कम से कम 150 आदमी से लिया। इसलिए मैं हैदराबाद का केसीआर को और बेकार मांगते, रूट पे पकड़ के मांगते, उन्होंने दारू पीता। हाँ जबरदस्ती लेता भाई। हाँ हम चाह रहे वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। भैया हम इब्राहिम का बड़ा भाई है, मेरा और एक छोटा भाई है शाहिद। उन्हों दोनों काम पे रात में काम पे चली गया। वो आने के सुबह आया, सुबह आने के बाद माल छाटने छाट के दोनों भैया बेचने के लिए गया। बेच के आने का आने के बाद मेरे मामी भी उसको पास है, इब्राहिम के पास है। फिर एक जुगड़ी में आने के लिए सीमेंट लेने के लिए गया। सीमेंट लेने के लिए घर बना दिया, मामी को घर ले लिया। शुआ ने वो मिट्टी कूद लिया बोल के सीमेंट लेने के लिए गया और दोनों भाइया निकल गया। दोनों भाइया निकल के बाद मेरा छोटो भाई को, छोटो तू इधर आ बोल के पानी का बोतल, एक बोतल पानी लिया दुकान से बोल के बोला। फिर वो आने के बाद चाकू से यहाँ से एक मार दिया, यहाँ से एक मारने के बाद सीट पे इसे एक मार दिया, एने के बाद इधर से एक मार दिया, पूरा अंदर से वही निकल गया। फिर मेरे छोटे भाई आने के बाद भाग गया। फिर इससे पहले भी हम लोग आए इधर से, एक ही रूट है आने जाने का है। हम लोग आने का कोई बर्मा वाला जीने नहीं दे रहा उन्हों। फिर आने जाने के बाद उन्हों क्या करा, बुला के उसको भी मारा, मांगा रहा 500 की, मांगा रहा दोष नहीं दे रहा, उसको लान मारा, तापर मारा, ऐसे मारा। हम लोग को इधर जीने नहीं दे रहा। फिर अभी आप लोग उसको थाना में डालेगा, बेल हो जाएगा। बेल होने के बाद 1-1.5 महीने के बाद हम लोग को फिर परेशानी करेगा। फिर अभी हम लोग बहुत डर गए, हम लोग क्या करेंगे अभी आप लोग बोलो। कौन है वो सताने वाला? कौन है? आसिफ है। ओ, पहले भी सता रहा उन्हों, पहले भी सता रहा। हम लोग बर्मा वाला इधर जब तब आया उस टाइम पे सताने के लिए लगा दिया। सता रहा था 2 साल के बाद किस सता रहा था? 2 साल तो सता रहा। कंप्लीट देगा तो उसको भाया है, वो बेल करेगा तो माल डालेगा रूट के। कोई हम लोग पीएस में कंप्लेंट किया, दूसरा भाया निकलेगा तो दूसरा को हाल लगा देता। फिर बोलने के लिए कोई नहीं जाता, जीने नहीं दे रहा। हम क्या करेंगे? हम इंसाफ होना है। अरे दुनिया तो भी सरकार सर, हम इंसाफ होना है दुनिया से। फिर अभी उसको पकड़ेगा, उसको पकड़ने के बाद
एक देर में ना लाके कर तो बेल बेल कर देगा फिर उसको बेल हो जाता। बेल होने के बाद हमारा वर्मा वाला एक ही रास्ते है, आने जाने का एक ही रास्ते है, फिर डरा देता, फिर दूसरे को मार देता, फिर हम लोग कहाँ जियेंगे। कौन हम इधर से, कोई लुगा से 3 साल हुआ, कोई लुगा से 4 साल हुआ, कोई कितने साल हो रहा। हम आया था पहला शुरू हुआ था 3 साल 7 साल हो जा रहा है, इधर 7 साल से इधर रह रहा। क्या काम करते थे हम? एस्क्रैप का काम जी। कितने बच्चे उसका? एक बच्चे, एक डेढ़ महीना हुआ था अभी। शादी कब? शादी तो 1 साल हुआ।